नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब और आपके सभी गाय बहुत अच्छी होंगी। आज हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है एक किसी भी गौशाला या डेयरी फार्म के लिए हरा चारा कितना इम्पोर्टेंट होता है। हरा चारा गायों के लिए सिर्फ न्यूट्रिशन वैल्यू ही नहीं, आपके फार्म या फिर गौशाला को सस्टेनेबिलिटी में भी हेल्प करता है। हरा चारे के अंदर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं जो कि गायों की बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती हैं। जब भी आप गायों को हरा चारा खिलाएंगे, आपकी गायों के आपको दूध के फैट में और क्वांटिटी में डिफरेंस देखने को मिलेगा। इससे आपकी गाय का दूध भी बढ़ेगा, आपकी गाय जो नॉर्मली 8-10 लीटर दूध देती होगी वो 12-14 लीटर देने लग जाएगी। ये सभी हरे चारे में होने की वजह से गाय की बॉडी हमेशा मेंटेन रहती है, समय पे हीट में भी आती है। जब भी हम गायों को हरा चारा देते हैं तो हमें किसी भी अल्टरनेट खाने की व्यवस्था की ज़रूरत नहीं पड़ती है। याद रहे, सूखा चारा सिर्फ एक ऑप्शन है, सोल्यूशन नहीं। यहाँ जब हम हरा चारा खिलाते हैं तो हमारी गायों को सूखा चारा सिर्फ डेली डाइट में 10-20% देने की ज़रूरत पड़ती है, वहीं फीड भी सिर्फ 10-20%। आप अपनी गायों की डाइट में डेली का 60-70% हरा चारा ऐड कर सकते हो। आप लोग सीज़न के अकॉर्डिंगली अपनी गायों को अलग अलग हरा चारा दे सकते हैं, जैसे कि अभी गर्मियों के सीज़न में ज्वार या मक्के की चरी गायों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। हम हर सीज़न के अकॉर्डिंगली गायों को हरा चारा अवेलेबल कराते हैं, जैसे कि अभी सीज़न में हमारे यहाँ मक्के की चरी और ज्वार की चरी हमने गायों के लिए बोई हुई थी। ये गायों के लिए गर्मी में शुगर और एनर्जी का बेस्ट सोर्स होती हैं, जिससे कि गाय हमेशा ही हेल्दी रहती है। उसके अंदर पानी का रिक्वायरमेंट फुलफिल रहता है क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट भी अच्छा रहता है। ऐसे ही कई सारी हरे चारे की आपको नेफियर वैरायटी भी देखने को मिल सकती हैं, जो कि एक बार बोने पे 4-5 साल तक लगातार मल्टीकट देती रहती हैं। क्या आप भी नेफियरों के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आने वाले वीडियो में आपको कितने टाइप के सुपर नेफियर अवेलेबल हैं, किस रेट में मिल सकते हैं और कहाँ से आप मंगवा सकते हैं घर बैठे, हम आपकी हेल्प करेंगे बताने में। याद रहे, हरा चारा आपका खुद का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप सस्टेनेबिलिटी तरीके से अपना डेयरी फार्म या गौशाला को रन कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर जानना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके दिए हुए कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।